राज्यपाल राम नरेश यादव ने कहा है कि पत्रकारिता की सार्थकता समाज का उचित मार्गदर्शन करने में है। इसमें किसी खास विचारधारा का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। आज देश और समाज, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, पत्रकारिता, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत प्रभावित है। राज्यपाल राम नरेश यादव दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय हिंदी मेल के 20वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने पत्रकारिता में अनुकरणीय योगदान वाले लगभग 28 वरिष्ठ एवं युवा पत्रकार और फोटोग्राफर्स को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राज्यपाल राम नरेश यादव ने युवा पत्रकारों को सचेत करते हुए कहा कि उन पर देश की निगाहें हैं। युवा पत्रकारों को देश की आजादी में बलिदान देने वाले महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी और गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके पहले राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कुसुम महदेले, राज्यसभा सदस्य चौधरी मुनव्वर सलीम, पूर्व सांसद सुरेश पचौरी और कैलाश सारंग, वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव और विजयदत्त श्रीधर उपस्थित थे। इसके अलावा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पत्रकारिता में आने के पहले यदि पत्रकार के रूप में आलोचक बनना है और आलोचना के लिए कुछ सीखना है तो उसके लिए सबसे बेहतर संस्था उस समय समाजवादी योजन सभा होती थी और उस योजन सभा में यदि कोई लेकर मुझे आता था तो उसका नाम है चौधरी मनोहर सिंह। युवा पीढ़ी इस आशीर्वाद को लेकर अपना भविष्य तय करना चाहती है तब भी वो हमारे साथ है। मैं प्रणाम करता हूं महेश श्रीवास्तव जी को कि उन्होंने हमारे साथ जो निभाया हम तो नहीं निभा पाएंगे क्योंकि गुरु का जो कर्ज है शिष्य नहीं उतार सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।